आज हमने उत्तराखंड के दुगड्डा प्रखंड के पुरवाणा गांव का भ्रमण किया। ये ठेठ उत्तराखंड का गांव है। हमें जो खास लगा वो ये कि यहाँ के निवासियों को फूलों से बड़ा लगाव, और हमने हर घर के आंगन में तरह तरह के फूल देखे। गांव में ही सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी महावीर सिंह रावत ने मुझसे पूछा कि मेरे हिसाब से लोगों के यहाँ से पलायन का क्या कारण है। महावीर सिंह जी 80 के दशक में सेवानिवृत्त हुए और तब से 40 वर्षों से पहाड़ से मैदानी इलाकों की ओर यहाँ के युवकों का वो निरंतर पलायन देख रहे हैं। कितना कठिन होगा उनका यह सब धीरे धीरे होते हुए देखते रहना। पहले धीरे धीरे जवानों की आबादी कम होती है, जिससे खेत खलिहान बंजर होने लगते हैं। फिर वो अपने बीवी बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिससे घर के आंगन सूने होने लगते हैं। अधिकतर घरों पर लग चुके तालों ने तो गांवों को अब भुतहासा बना दिया है। यहाँ अमूमन सभी गांवों की एक सी हालत है। केवल कुछ वृद्ध लोग ही गांव में लाचार से बैठे मिलते हैं और अपनों के लौट आने के इंतजार की उद्विग्नता में समय व्यतीत करना कितना क्रूर और निर्मम है, ये सिर्फ यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। भयावह से हालात हैं। ठाकुर महावीर सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आसान न था, और मेरे लिए तो यह एक कठिन यक्ष प्रश्न जैसा लग रहा था। मैं उस नालायक छात्र की भांति था जो कभी स्कूल से लौटने के बाद बस्ता खोल कर भी नहीं देखता और बिना तैयारी के ही परीक्षा देने का हौसला कर बैठता है। जिस पर स्कूल के सबसे बेहतरीन शिक्षक परीक्षक के रूप में सामने आ जाएं तो समझो सर मुड़ाते ही ओले पड़े हों। रोजगार, मैंने जवाब दिया। फिर ख्याल आया हायर स्कूल नहीं है। फिर अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव, रोजगार सृजन करने में यहाँ के युवाओं की असफलता तो बहुत बड़ा कारण है, मैंने कहा। लेकिन उन्होंने सबका खंडन भी किया और समर्थन भी किया। उनसे बहुत सी बातें मालूम हुई, बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ, और इस तरह हमने अलग अलग विषयों पर बात करना शुरू किया। उन्होंने हमें एक कप चाय पीने को दी। जैसे जैसे हम बात कर रहे थे पलायन की विकट स्थिति का आकलन जटिल होता गया और इसके दुष्परिणामों की भयावहता और गंभीर होती गई। पलायन के मार से अब हम दोनों सहमत हैं, हर दुष्परिणाम से सहमत हैं। कुछ न कर पाने की टीस जो है नासूर के दर्द का आभास कराती है। दादाजी, मेरा रबड़ गिर गया है, उठाकर दो तो, महावीर जी के पोते ने पास आके बोला तो यूं लगा कि जैसे किसी ने नींद से जगाया हो। बिमला, चलो बाकी गांव देखते हैं, मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा। शायद जवाब यही है महावीर जी के घर में। जब तक उनके पोतों के रूप में उत्तराखंड के किसी भी घर के आंगन में किलकारियां गूंजती रहेंगी, उम्मीदें जीवित रहेंगी, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हमने भी महावीर सिंह जी से विदा ली, गांव को एक चक्कर लगाया और घर आ गए। आज का दिन सचमुच आंखें खोल देने वाला दिन था।